हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, माय सेल्फ रमनदीप कौर। इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, ये तो हम सब जानते हैं, पर इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स भी हैं जो आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी 7 इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अननोन फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस डे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल एंथम के अननोन फैक्ट की। ये तो आप जानते हो कि नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये सॉन्ग उस टाइम के इंग्लैंड के किंग जॉर्ज सिक्स को समर्पित करके लिखा था। किंग जॉर्ज सिक्स को डिवोट किया था उन्होंने ये सॉन्ग, जो इंडिया का नेशनल एंथम ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया इन 1950। अब देखते हैं अननोन फैक्ट अबाउट आवर नेशनल फ्लैग। जब से हमारा नेशनल फ्लैग बना है उस टाइम से लेकर अब तक इसमें बहुत बार चेंजेस करे गए हैं, और अक्सर ये माना जाता है महात्मा गांधी जी ने नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया है, बट इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है ये। हमारा नेशनल फ्लैग एक फ्रीडम फाइटर ने डिज़ाइन किया था जिनका नाम है पिंगली वेंकैया। अ फ्रीडम फाइटर ऑफ दैट टाइम हैज़ डिज़ाइंड आवर नेशनल फ्लैग। थर्ड फैक्ट भी नेशनल फ्लैग से रिलेटेड है। सबको लगता है कि नेशनल फ्लैग फर्स्ट टाइम 15 अगस्त 1947 को लहराया गया था, ये गलत है। बल्कि नेशनल फ्लैग फर्स्ट टाइम 7 अगस्त 1906 को पारसी बैगन स्क्वायर कलकत्ता में लहराया गया था। इस पारसी बैगन स्क्वायर को ग्रीन पार्क भी कहते हैं। फोर्थ फैक्ट फ्लैग की एक और इंटरेस्टिंग बात है कि बिफोर 1973 स्टेट्स के गवर्नर्स इंडिपेंडेंस डे पर फ्लैग लहराने की सेरेमनी करते थे, बट इन 1974 एम करुणानिधि, जो कि 10 ईयर्स तक तमिलनाडु के सीएम रहे थे, उन्होंने ये मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट में उठाया और इंडिपेंडेंस डे पर फ्लैग होस्ट करने वाले फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने इन 1974। एम करुणानिधि इन 1974 फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने इंडिपेंडेंस डे पर फ्लैग होस्ट करने वाले। अब बात करते हैं फिफ्थ फैक्ट में प्राइम मिनिस्टर के बारे में। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे, बट क्या आपको पता है कि उस टाइम जवाहरलाल नेहरू जी की बजाय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शंस जीते थे, और उन्होंने ही फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनना था इंडिपेंडेंट इंडिया का। पर जवाहरलाल नेहरू जी को किसी के अंडर काम करना मंजूर नहीं था, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हटा के खुद प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी के उस टाइम के मेन लीडर महात्मा गांधी जी के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन थे। इसी के बल पर जवाहरलाल नेहरू जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बन गए। अब बात करते हैं इंस्पायरिंग सोल ऑफ इंडिया भगत सिंह के बारे में। यस, इंस्पायरिंग सोल ऑफ इंडिया भगत सिंह। इंडिया की इंडिपेंडेंस की बात हो और भगत सिंह का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगत सिंह मल्टी लिंग्विस्टिक थे, यानी कि भगत सिंह को इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, स्वीडिश एंड अरेबिक लैंग्वेजेस में माहिर थे। वो एक बहुत ही डिवोटेड रीडर थे, बहुत दिल लगाकर बुक्स रीड करते थे वो। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्या आप जानते हैं इंडिया ने पिछले 100,000 साल से कभी किसी कंट्री पर हमला नहीं किया, तो इंडिया को पीस मेकर का टैग देना भी बनता है। सो वी शुड ऑल प्राउड टू बी एन इंडियन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।